हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए, स्नेह के लिए और आपके शानदार कमेंट्स से जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरे ये सेम की बेल में कुछ माइल्ड अटैक सा हो रहा है, ब्लैक ब्लैक से आप दिखाऊंगी मैं आपको। कुछ शुरुआती है, कुछ मैंने, आप देखोगे कि ये मैंने कट भी कर दिया है, लेकिन कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा है। ये ब्लैक ब्लैक पूरी सी हो रही है और आप फ्लावरिंग देख रहे होंगे कितनी शानदार हो रखी है। एक दो बार मैंने इसमें से दो बार फ्रूटिंग पूरी अच्छी सब्जी मुझे मिल गई थी, मैंने आपसे शेयर भी करी है। अभी ये फिर दोबारा से पूरी फ्लावरिंग इसमें फिर से शुरू हो रही है, फ्रूटिंग के लिए तैयार हो रहा है, पर लेकिन कुछ माइल्ड अटैक सा हो रहा है इसमें भी, ब्लैक ब्लैक सा। तो इसके लिए मैं कुछ इंसेक्टिसाइड कुछ यूज़ कर रही हूँ, इसमें प्लांट में अप्लाई करूँगी। मैं क्या देती हूँ वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये मैं एलोवेरा लूँगी, जिसको मैंने एक साइड से कट करके दिखाने के लिए रखा है, और इस तरीके से हम इसका पल्प पूरा निकालेंगे। और ये कुछ नीम के पत्ते हैं जो मैंने इस रेनी सीज़न में लिया था, एक दो प्लांट लिए थे, एक प्लांट लिया था, दो प्लांट मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे किसी गमले में ही आ गए थे। और ये कुछ नीम के पत्ते हैं और ये हल्दी है, इसी को ही मैं इसी से ही बनाती हूँ। और आपने देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मेरे प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी हैं, पूरा रेनी सीज़न निकल गया, एक भी कुछ भी इंसेक्ट अटैक्स कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यही आपको दिखा रही हूँ आज। फ्रेंड्स, ये जो हमारे प्लांट्स जो बीमार करने वाले अटैक होते हैं हमारे इंसेक्टिसाइड, उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करती है और हमारे प्लांट हेल्दी होंगे इससे। बाज़ार से भी कई दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन अगर हम घर में फ्रूटिंग वाला कुछ प्लांट है तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक ही कुछ यूज़ करें, तो ये सबसे बेस्ट है। ये एलोवेरा है, ये नीम के पत्ते हैं और ये टर्मरिक है, इसी को मिला करके ही मैं बनाऊंगी। मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आज आपसे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे ये एलोवेरा मैंने एक साइड से छिल लिया था, इसी तरीके से मुझे ये निकालने हैं। ये देखेंगे आप, और इसको हम मैश कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल मैश कर लेंगे और हम इसको पानी में मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसका एक अच्छा असर ये भी होता है कि हमारे हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये कुछ हम इसमें, ये नीम की पत्तियां हैं, ये भी इसमें अच्छे से मैश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सभी हमें अच्छे से मैश करके, फ्रेंड्स इससे हमारे हाथ भी अच्छे हो जाते हैं और हमारे प्लांट तो ऑफ कोर्स अच्छे होते ही हैं। इसको हम पानी में मिला देंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक चम्मच ये हल्दी पाउडर हमें इसमें मिलाना है, और ये कम से कम 24 से 48 घंटे तक हमें इसको भिगो के रखना है। और फ्रेंड्स, ये मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसमें अच्छी मात्रा में नीम के पत्ते भी हैं और एलोवेरा जेल भी है। ये सभी हमने अच्छे से मैश कर सकते हैं, हम इसको हाथ से कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और फ्रेंड्स, ये अगर ज़्यादा दिन भी रहे तो ये बेफिक्र करके आप रख सकते हैं, इसमें कोई मक्खी मच्छर कोई कुछ भी नहीं होगा इस पानी में। फ्रेंड्स, इसको हम छन्नी से छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये पानी हम बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करेंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं, कम है थोड़ा सा तो कर सकते हैं। इसको मैं वैसे ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाया है, इसको हम वैसे ही बनाएंगे और अपने सभी प्लांट्स में इसको स्प्रे करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें ये पानी मिल गया है, इसको मैं अपनी स्प्रे बॉटल में डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये मैं सभी अपने प्लांट्स अपने उसमें दूंगी। ये तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।